चना वायदा फिर से शुरू होने की उम्मीद से स्टॉकिस्टों की बड़ी खरीदारी। 2 दिन में चना 100 रुपए उछला। जी हाँ, बाजार में सुगबुगाहट जोरों पर है कि केंद्र सरकार चने समेत 7 जिनसों में वायदा कारोबार फिर शुरू करने की मंजूरी दे सकती है। हालांकि गुजरात चुनाव से पहले इस बारे में घोषणा होने की संभावना नजर नहीं आ रही। दूसरी ओर देश भर में चने की बोइंग अभी तक पिछले साल की तुलना में कुछ कम हुई है। बोनी अभी जारी है। मंडियों में चने की आवक कम होने और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर स्टॉकिस्ट चने पर पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं, जिसके कारण भाव में एक तरफा तेजी की स्थिति बनी हुई है और पिछले 2 दिनों में चने के भाव में 100 रुपए का उछाल दर्ज किया गया है। दरअसल इन दिनों इंदौर में चना कांटा नीचे में 4950 रुपए तो ऊपर में 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। इन दामों पर भी मिलर्स की डिमांड जोरदार देखने को मिल रही है और व्यापारियों की निगाहें नाफेड की बिक्री पर भी टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर फिलहाल चने में मंदी नजर नहीं आ रही। चना दाल में उठाव कम होने से भाव में थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिली है। चना दाल घटकर 5800 से 6000, मीडियम 6100 से 6200, जबकि बेस्ट 6300 से 6400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ मसूर में भी उठाव कमजोर रहने से बिकवाली का दबाव बढ़ने के कारण भाव में गिरावट देखने को मिली है। मसूर घटकर 6350 से 6300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। दरअसल नए मूंग की आवक अच्छी होने के साथ ही हल्की और मीडियम क्वालिटी ज्यादा आने के कारण मूंग के दामों में मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मूंग के अंदर करीब 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। मूंग का भाव ऑन एन एवरेज 6000 से 6600 रुपए, जबकि नई मूंग 6800 से 7400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। उधर तुअर दाल में भी बेहद कमजोर खरीदारी रहने के चलते भाव में गिरावट देखने को मिली। तुअर दाल में भी करीब 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र सफेद 7200 से 7400, जबकि कर्नाटक तुअर 7500 से 7700 और निमाड़ी तुअर 6600 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास फिलहाल देखने को मिल रही है। ऐसे में अभी फिलहाल बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से वायदा कारोबार एक बार फिर से शुरू किया जाता है तो हो सकता है कि चने की कीमतों में तेजी का दौर देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।